हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक मालविया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिटेनिंग वॉल और टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिटेनिंग वॉल एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फेलियर ड्यू टू द रिटेनिंग मटेरियल एंड एज पर द IS कोड क्राइटेरिया 456/2000. सो फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिटेनिंग वॉल is lateral forces and the second is vertical forces. First, lateral force, earth pressure due to the backfill and surcharge. इसका मतलब जो होता है, इसका जो meaning होता है, earth pressure due to backfill and surcharge, that mean कि जिस material को basically हमें retain करना है, like कोई loose soil है या कोई solid कोई material जिसे retain करने के लिए, जिसे रोकने के लिए, basically हम लोगों ने जो wall structure design किया, तो उसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लैटरल डायरेक्शन में जो प्रेशर डेवलप होता है वो जो प्रेशर होता है वो जो फोर्स होता है दैट इज लैटरल फोर्स. एंड सेकंड इज वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल फोर्स जो बेसिकली डेवलप होता है वो होता है ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्राउंड सॉइल. मीन्स जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिजाइन किया है, जो रिटेनिंग वॉल हम लोगों ने डिजाइन की है, उसके सेल्फ वेट की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जाता है दैट इज वर्टिकल फोर्स. एंड जिस सॉइल के ऊपर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है तो वो जो सॉइल वियरिंग कैपेसिटी हमें देती है, लोड को जो वियर करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर को लगाती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स. एंड नेक्स्ट इज अर्थ प्रेशर. जो लैटरल प्रेशर होता है जो सॉइल के बेसिकली सॉइल की वजह से डेवलप होता है आपकी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर वो अर्थ प्रेशर होता है. और अर्थ प्रेशर जो बेसिकली एक्ट करता है वो स्टेम के ऊपर एक्ट करता है. बेसिक मैंने आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको रिटेनिंग वॉल के जो पार्ट्स होते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो रिटेनिंग वॉल बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं रिटेनिंग वॉल के जो मेम्बर्स होते हैं लाइक स्टेम एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है बेस स्लैब जो कि दो पार्ट में डिवाइड है हील स्लैब एंड टो स्लैब. तो उसमें जो वर्टिकल मेंबर स्टेम होता है उसी स्टेम के ऊपर बेसिकली ये सॉइल की वजह से जो प्रेशर लगता है वो लेटरल डायरेक्शन में एक्ट करता है ऑन स्टेम. सो ये जो है जो प्रेशर है जो सॉइल की वजह से बेसिकली आपके स्ट्रक्चर पे आ रहा है ये वेरी करता है लीनियरली अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी एट डेप्थ एच बिलो द टॉप ऑफ द वॉल एंड इट इज गिवन बाय PA equal KA gamma H. इसका मीनिंग होता है कि ये जो सॉइल का प्रेशर बेसिकली एक्ट कर रहा है ये टॉप टू बॉटम वेरी करता है लीनियर. मींस टॉप पे ये जो प्रेशर होता है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है. जैसे जैसे हम डेप्थ को बढ़ाते हैं दैट मीन एच को बढ़ाते हैं सॉइल की डेप्थ बढ़ती जाती है तो आपका ये जो प्रेशर है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जाता है और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ के मैक्सिमम पे पहुंचेगी ये प्रेशर भी आपका क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बेसिकली हम लोगों ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है. जो वर्टिकल मेंबर सामने आपके पास है स्टेम है और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है. ट्रायंगल का मतलब कि ये टॉप पे जो सॉइल का प्रेशर है वो जीरो. मैं नीचे आया मैंने डेप्थ बढ़ाया सॉइल का प्रेशर और बढ़ गया. मैं थोड़ा और नीचे आया मेरा सॉइल का प्रेशर और बढ़ गया और जैसे जैसे हमारी डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी हमारा सॉइल का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होते जाएगा. और जैसे ही हम बॉटम पे आएंगे तो बॉटम पे जो मैक्सिमम सॉइल का प्रेशर आता है वो इक्वल होता है के ए गामा एच के. एंड वेयर के के इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो कि कैलकुलेट किया जाता है 1 - sin φ / 1 + sin φ से. एंड द गामा इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो कि यो वहां पे जो सॉइल है जिसको हम रिटेन कर रहे हैं उसका यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में. एंड द एच की अगर हम बात करें तो ये जो होती है वो टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल होती है या टोटल डेप्थ ऑफ स्टेम होती है. इन केस ऑफ बैकफिल विथ सरचार्ज एंड विथ ट्रैफिक लोड अगर आपका जो सरचार्ज है जिस सॉइल को आप रिटेन कर रहे हैं उस सॉइल के साथ साथ में ऊपर से कोई ट्रैफिक का लोड भी आ रहा है अगर वो ट्रैफिक का लोड आ रहा है तो उस केस में जो सॉइल का प्रेशर होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है. तो जो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है जितना पार्ट ट्रायंगल का है वो सिर्फ सॉइल की वजह से आने वाला प्रेशर. लेकिन
ट्रायंगल के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हुआ है, तो जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है वो ट्रैफिक लोड की वजह से आने वाला प्रेशर। तो ट्रैफिक लोड आपके टॉप पे जितना लगता है उतना ही नीचे सॉइल के थ्रू वो बॉटम पे ट्रांसफर होगा, तो बेसिकली जितना वो टॉप पे है उसी मैग्नीट्यूड के साथ वो बॉटम पे ट्रांसफर होगा। तो आप इसके लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म करते हैं एंड जो सॉइल का प्रेशर है वो एज इट इज रहेगा जैसे हमारा लास्ट केस में था, तो वो लीनियरली जो है वो बॉटम पे जाते जाते हाइट के साथ में इंक्रीज करता जाएगा। तो ये जो सॉइल की वजह से प्रेशर कैलकुलेट होगा वो एज इट इज कैलकुलेट होगा, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था के ए गामा एच से, बट जो ट्रैफिक की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा उसके लिए बेसिकली आप लोगों को कंडीशन लगेगी जो कि इक्वल होती है के ए डब्ल्यू इंटू एच के ए डब्ल्यू के बराबर होगी जो ट्रैफिक की वजह से बेसिकली आपका लोड आएगा। सो टोटल लेटरल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सॉइल की वजह से प्रेशर आपका आ रहा था के गामा एच, उसमें हम जो ट्रैफिक की वजह से प्रेशर आएगा जो मैंने आपको लास्ट बताया के डब्ल्यू, उसको हम ऐड कर देंगे और जो टोटल होगा वो सॉइल का आपका लेटरल प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैकफिल इज स्लोपिंग, ये केस नंबर थ्री। फर्स्ट केस इज सरचार्ज इज हॉरिजॉन्टल, सेकेंड केस इज सरचार्ज इज हॉरिजॉन्टल विथ ट्रैफिक लोड, एंड थर्ड केस इज इनक्लाइंड सरचार्ज और स्लोपिंग सरचार्ज। इस टाइप के केस में आपका जो मटेरियल होता है जिसे आपको रिटेन करना है वो बेसिकली स्लोपिंग कंडीशन में रहता है, और ऐसे केस में आप लोगों का जो प्रेशर बढ़ता है वो दो फॉर्म में क्रिएट होता है, जिसमें एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, नॉर्मल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक वर्टिकल फॉर्म होता है एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है, जो कि आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो पी ए आप लोग फाइंड आउट करेंगे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा के गामा एच के जो आपका लास्ट था, बट यहाँ पे जो के होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है इन केस ऑफ स्लोपिंग सरचार्ज, जो कि इक्वल होता है कॉस अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड स्लोपिंग सरचार्ज एंड अल्फा डैश एंगल बिटवीन द बॉटम एंड अल्फा एंगल ऑफ स्लोप बैकफिल विद द हॉरिजॉन्टल ऑल्सो रिफर्ड एज सरचार्ज एंगल एंड के इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर द सच केस। नाउ स्टेबिलिटी कंडीशंस आर रिटेनिंग वॉल मस्ट स्टेबल एज होल एंड इट मस्ट हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ टू रजिस्टर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। दैट मीन कि जो आपका रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग डिजाइन कर रहे हैं, वो स्टेबल होना चाहिए ऑल द कंडीशंस, मीन्स कि उसके ऊपर किसी भी टाइप का लोड डेवलप अगर होता है तो वो उसको रजिस्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। एंड सेकेंड, इन ऑर्डर दैट द वॉल मे बी स्टेबल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहे तो आपको ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग जब बीम डिज़ाइन को करते थे, बीम डिज़ाइन करते थे, तो वी नो दैट कि बीम का जो फेलियर होता है वो ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू द शेयर फोर्स एंड डिफ्लेक्शन से होता है। अगर मैं स्लैब की बात करूं तो जो स्लैब का फेलियर होता है वो होता है ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू द शेयर फोर्स, ड्यू टू द डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हम इन थ्री पॉइंट्स के ऊपर वहाँ पे वर्क करते हैं जब हम इन पार्ट्स की डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की, तो यहाँ पे जो फेलियर्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ड्यू टू द ओवरटर्निंग, ड्यू टू द स्लाइडिंग, ड्यू टू द सॉइल फेलियर एंड ड्यू टू द बेंडिंग एंड शेयरिंग। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये इन चार पॉइंट के ऊपर वर्क करना है और यही हमारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज द वॉल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स। सेकंड इज द वॉल शुड नॉट ओवरटर्न, ये ओवरटर्न नहीं करनी चाहिए। एंड थर्ड इज मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस शुड नॉट एक्सीड द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। दैट मीन कि जिस सॉइल के ऊपर आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है उसकी जो कैपेसिटी है वो स्ट्रक्चर से लोड जो ट्रांसफर हो रहा है उसके कंपेरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द वॉल शुड नॉट स्लाइड ड्यू टू द लैटरल प्रेशर। दैट मीन कि जो लैटरल प्रेशर आएगा सॉइल की वजह से, उसकी वजह से आपकी जो वॉल है वो स्लाइड नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ये फोर पॉइंट्स के ऊपर वर्क करता हूँ, इनको सेटिस्फाई करता हूँ, दैट मीन अवर स्ट्रक्चर इज स्टेबल। डिजाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, अगर अब मैं डिजाइनिंग की बात करूँ, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रैंकाइन फॉर्मूला। दैट मीन कि जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है इस टाइप के स्ट्रक्चर में वो डिपेंड करती है सॉइल के टाइप के ऊपर, वहाँ पे किस टाइप का सॉइल, एंड इट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय द रैंकाइन फॉर्मूला
and that is y minimum q naught is ka square divided by gamma, where q naught is soil bearing capacity, gamma is unit weight of soil, and ka coefficient of active earth pressure. डायमेंशंस की बात अगर मैं करता हूँ तो द टेंटेटिव प्रपोर्शन ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में बी ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और स्टडी. बेसिकली जो डायमेंशंस होते हैं ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड यहाँ पे किए गए हुए हैं, जिसमें कुछ टेंटेटिव कंडीशंस हमें दी गई जिनको हम अप्लाई करते हैं, और अगर हमारा स्ट्रक्चर सेफ है तो हमारे डायमेंशन सही रहते हैं, और अगर बाई चांस अनसेफ होता है दैट मीन कि आपको स्ट्रक्चर के डायमेंशंस को चेंज करना पड़ेगा. जिसमें सेट की बात करें तो बेस विड्थ बी जो होता है, जो आपका रिटेनिंग वॉल होगा उसकी विड्थ, बेस की विड्थ की बात करें तो जो मिनिमम होता है वो 0.48 के इक्वल लिया जाता है, एंड द मैक्सिमम इज 0.56 एंड द टो प्रोजेक्शन इज 0.3 बी. टो मीन्स जो टो वाला पार्ट है, अगर उसकी विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 0.3 बी के बराबर लेते हैं, या 1/3 ऑफ बेस लेते हैं, एंड द थिकनेस ऑफ बेस स्लैब इज h/12. जो आपका बेस स्लैब है उसका जो थिकनेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो h/12 के बराबर होगा, वेयर h इज टोटल हाइट ऑफ द वॉल, एंड द टॉप विड्थ ऑफ स्टैम इज 150 mm टू 300 mm. दैट मीन कि जो स्टैम की विड्थ है टॉप पे वो हम 150 mm मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 300 mm कंसिडर करते हैं. बिकॉज ये हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, ये हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज टॉप पे जो सॉइल का प्रेशर होता है, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड्स में आपको बताया था कि वो मिनिमम होता है और ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली आपकी जो रिटेनिंग वॉल है वो क्रॉस सेक्शन में किस तरीके से आप लोगों को दिखेगी, तो उसमें आपको एक स्टैम दिखेगा जो कि टॉप पे मिनिमम थिकनेस होती है. जैसे जैसे दाब बढ़ेगी थिकनेस बढ़ती जाएगी. उसका रीज़न है बिकॉज जो स्टैम है वो एक कैंटिलीवर बॉडी है, और वी नो दैट कि जो कैंटिलीवर बॉडी होती है उसके जो फिक्स्ड एंड होता है वहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट डेवलप होता है, एंड फ्री एंड पे जीरो मूवमेंट होता है. तो जहाँ पे जीरो मूवमेंट होगा वहाँ थिकनेस कम होगी, और जैसे जैसे आपका मूवमेंट बढ़ेगा तो थिकनेस आपकी बढ़ती जाएगी. और ये जो है वो सॉइल का जो प्रेशर है, जो आपका रिटेनिंग मटेरियल है उसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. और बेसिकली ये जो एक्ट करता है वो बॉटम से h/3 पे जो इसका CG होगा वहाँ पे बेसिकली ये एक्ट करेगा. तो का जो प्रोजेक्शन है 0.3 भी हमें लेना है. टोटल जो विड्थ ऑफ बेस स्लैब है वो हम इधर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चेक फॉर ओवरटर्निंग की अगर हम लोग बात करें, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ओवरटर्निंग में फेलियर नहीं आना चाहिए, तो अगर मुझे चेक करना है कि ओवरटर्निंग मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग एज पर द IS कोड 456/2000 एक क्राइटेरिया लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं जो कि 1.4 आती है, और उस 1.4 के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी MS जो रजिस्टिंग मूवमेंट आपका निकलेगा स्ट्रक्चर के वेट की वजह से, एंड M0 मींस ओवर टर्निंग मूवमेंट जो निकलेगा इसका जो रेशियो होता है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1.4, वेयर 1.4 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर द IS कोड 456/2000. सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.4. एंड सेकेंड, चेक फॉर स्लाइडिंग. इन दैट केस also we take a factor of safety 1.4 as per the IS code 456/2000, and sliding, in case of sliding it should also be greater than mu summation w divided by ph, where mu is friction, summation w total vertical forces, and the ph is total horizontal forces due to the soil. Check for soil pressure means जो आपको थर्ड मैंने आपको चेक बताया था कि जो सॉइल के ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए लोड के ऊपर, जो उससे ऊपर लोड ट्रांसफर होता है, तो उसे भी हमें चेक करनी पड़ती है, जिसमें जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप होता है इसकी वैल्यू सॉइल बियरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए. दैट मीन कि स्ट्रक्चर आपका सेफ, जो सॉइल है ग्राउंड का वो सेफ, लेकिन अगर वो वैल्यू बढ़ जाती है स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो फेल होगा. तो इस तरीके से बेसिकली जो फोर्सेस एक्ट करते हैं रिटेनिंग वॉल पे वो टू टाइप्स के फोर्स होते हैं. फर्स्ट इज लैटरल फोर्स, सेकंड इज वर्टिकल फोर्स. लैटरल फोर्स ड्यू टू द सॉइल, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द सॉल्वेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, और अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड स्ट्रेंथ. एंड द
टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ द रिटेनिंग वॉल की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ फेलियर जो होते हैं वो बेसिकली फोर टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं जिस पे आपकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. फर्स्ट इज ओवरटर्निंग, सेकंड इज स्लाइडिंग, थर्ड इज बाइंडिंग एंड शेयरिंग एंड द फोर्थ इज सॉइल फेलियर. सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल. थैंक यू सो मच.